गाजियाबाद में चल रही बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में हमारे संवाददाता प्रवीर अरोड़ा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की और क्या कुछ खास बातचीत हुई आइए सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति आज प्रारंभ हुई है और कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना अध्यक्षीय उद्बोधन, शोक प्रस्ताव और पिछली कार्रवाई की पुष्टि का काम किया है। अब इसके बाद आदरणीय शिव माथुर जी का उद्घाटन भाषण। क्या ये 2017 की तैयारी है? निश्चित तौर पर हम तो हर अगला दिन चुनाव का दिन मान रहे हैं और हर अगले दिन को चुनाव का दिन मानकर तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी के बारे में क्या कहना चाहोगे? समाजवादी पार्टी कहीं जनता के बीच में काम करने वाली पार्टी है क्या? ओम माथुर जी, इस वक्त हमारे संगत जानने की कोशिश करते हैं कि दो दिवसीय यहाँ पे कार्यकारी मीटिंग भी चल रही है, क्या कहना है? ये हमारा रूटीन के कार्यक्रम रहते हैं, संगठनात्मक काम है ये हमारे और नियमित रूप से इस प्रकार की बैठकें हमारी होती रहती है और बैठक में मूल रूप से संगठन की प्रक्रिया, आगामी योजनाएं, अब तक हमने तय किया उसमें कहां तक हम पहुंचे, इन सब की चर्चा। और पहली बार मैंने सभी जिला अध्यक्षों को भी मीटिंग में बुलाया क्योंकि आगामी तारीखों में हमारा संपर्क महाअभियान चलने वाला है, उस संपर्क महाअभियान में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय हो, इस भावना से हम उनको आज यहाँ दिशा निर्देश देने वाले। किसान आत्महत्या कर रहा है उत्तर प्रदेश में और हर जगह, क्या कहना है? देखिए, यहाँ की कानून व्यवस्था कह दूं चाहे और कोई भी समाज सारी चरमरा गई है और वर्तमान सरकार के नेतृत्व को न तो किसानों की चिंता है, न मजदूरों की चिंता है, न गांव की चिंता है और इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको निश्चित रूप से हम ये आरोप सीधा सीधा मुलायम सिंह की सरकार पे लगाते हैं कि जिन्होंने वो पड़ोस के मध्य प्रदेश को देखे, वो पड़ोस के राजस्थान को देखे कि वहाँ किस प्रकार से किसानों के साथ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने व्यवहार किया है। तो हमारा NDF का फंड आने के बावजूद भी स्टेट सरकार उस पैसे को दे नहीं रही है। मात्र जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे मेट्रो का विस्तार इन्होंने कराया, क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, कोई क्या करावे, सरकार का काम है, किसका करावे ये तो जनता जवाब देगी ना समय पर उसका। मतलब 2017 के चुनाव आने वाले हैं, जैसे कि अभी आप दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी हारी है और उत्तर प्रदेश में क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 2017 में सरकार बनाएगी। ये थे माथुर जी, इनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र संघ, प्रवीण रोड़ा, K News।